और इधर गुजरात एटीएस के शिकंजे में आ चुकी कथित सामाजिक कार्यकर्ता तीसा सेतलवाड़ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनके पूर्व सहयोगी ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने गुजरात दंगा पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा किए गए पैसों को न सिर्फ अपनी ऐश के लिए उड़ा दिया बल्कि एक भी पैसा लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। इतना ही नहीं, तीसा के बैंक दस्तावेज बताते हैं कि कैसे तीसा सेतलवाड़ ने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए इकट्ठा किए गए पैसों को शराब और सलोन पर खर्च किया। कई मायनों में अगर कहा जाए तो लाशों के सौदागर है। और आज तक हमको कुछ सपोर्ट नहीं कर, हमारे नाम पे पैसा काफी लिया गया है। दंगा पीड़ितों को जो दुखी लोग थे उनके नाम से जो भी उन्होंने पैसों का इरेगुलरिटी जो भी की है वो बाहर आएगी। जिस तीस्ता सेतलवाड़ को दुनिया सामाजिक कार्यकर्ता समझती रही, अब उन्हीं तीस्ता सेतलवाड़ के एक एक कारनामे का सबूतों के साथ पर्दाफाश हो रहा है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि तीस्ता सेतलवाड़ के क्रेडिट कार्ड के बिल्स से लेकर उनकी तमाम जरूरतों का खर्च उन्हीं पैसों से किया जाता था जिन्हें गुजरात दंगा पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा किया गया था। तीस्ता सेतलवाड़ के बैंक स्टेटमेंट के दस्तावेज की पूरी कहानी दिखाएं, उससे पहले देखिए कि कैसे उन्हीं के साथ काम करने वाले रईस अहमद ने उनकी हकीकत से पर्दा उठाया है। समाज को कोई लूट रहा हो और ऐसे विक्टिमों को लूट रहा हो जिनके लोग मारे गए हों, और जो सही मायनों में अगर कहा जाए तो लाशों के सौदागर हैं ये। जो लोग मारे गए या जो लोग जिनके घर जल गए, उजड़ गए, कारोबार खत्म हो गया, उनके नाम पर फंड लाके खा जाने और उसके ऊपर अपने आप को जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता कहलवाना, ये उचित नहीं है। इतना ही नहीं, तीस्ता सेतलवाड़ के पूर्व सहयोगी ने उन पर कुछ और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रईस अहमद के मुताबिक तीस्ता सेतलवाड़ को पीड़ितों को इंसाफ दिलाने से कोई मतलब नहीं था। तीस्ता केवल पीड़ितों के नाम पर पैसा इकट्ठा करती थी। तीस्ता सेतलवाड़ ने पीड़ितों के नाम पर हासिल किए गए पैसों को शराब में उड़ाया। इन्हीं पैसों से तीस्ता ने विदेश यात्राएं की और विक्टिम को कोई पैसा नहीं दिया। कांग्रेस से जुड़े उद्योगपति तीस्ता को पैसे देते थे। सारे पैसों का इस्तेमाल तीस्ता निजी खर्चों के लिए करती थी। इतना ही नहीं, तीस्ता के पति ने भी एनजीओ बनाया था जिसमें विदेशों से पैसा इकट्ठा किया जाता था। दावा किया जा रहा है कि तीस्ता सेतलवाड़ गुजरात दंगा पीड़ितों को महज अपने प्रॉफिट का जरिया मानती थी, इसलिए तीस्ता का मेन मकसद पीड़ितों को इंसाफ दिलाना नहीं बल्कि उनके मुद्दे को जिंदा रखना था ताकि उसके नाम पर वो अपनी जिंदगी की तमाम जरूरतों को पूरा कर सकें। और आइए अब आपको दिखाते हैं तीस्ता के वो बैंक डिटेल्स जिन्हें तीस्ता की अय्याशियों का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि गुजरात दंगा पीड़ितों के नाम पर इकट्ठा करोड़ों रुपए को तीस्ता सेतलवाड़ ने अपने पति के साथ मिलकर ठिकाने लगा दिया। फिरोज और इम्तियाज भी उन्हीं दंगा पीड़ितों में से एक हैं जिन्होंने तीस्ता सेतलवाड़ के कारनामों को करीब से देखा है। जो म्यूजियम के नाम पे जो तीस्ता ने फंडिंग जो उगराया था, जो के 2002 के अंदर आए थे हमारे पास रईस खान आए थे कि भाई कैंप में थे जब हम, कि भाई हम लोग तुमको कायदा की मदद करेंगे ने, उसके बाद में सब मामला चला। 2007 में हमारे पास बिल्डर आए थे कि भाई तुम्हारी सोसाइटी ले लेते हम लोग, तो जब भी हम भाड़ा भरते थे, जब भी हम किराए के मकान में चले गए थे, आज भी हम किराया भर रहे। क्या हुआ, तीस्ता ने आपके साथ क्या किया, अगर कुछ बता पाए? क्या आपके साथ अब लग रहा है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई दंगे के नाम? हाँ, हमारे नाम पर जो फंडिंग लिया था 2007 से और आज उससे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि लोगों की भावना के साथ खेला है और उनके साथ फ्रॉड हुआ है। हमारे साथ उस टाइम पे हमारे नाम पे दंगा पीड़ित थे और आज तक हमको कुछ सपोर्ट नहीं कर, हमारे नाम पे पैसा काफ़ी लिया गया है। उधर बीजेपी ने अब इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किए जाने की बात कही है। जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और SIT इसकी पूरी जांच करेगी तो हमें विश्वास है कि जो उन्होंने गलत किया है वो सारी बातें बाहर आएगी और दंगा पीड़ितों को जो दुखी लोग थे उनके नाम से जो भी उन्होंने पैसों का इरेगुलरिटी जो भी की है वो बाहर आएगी। जाहिर है अभी कई और ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो अब तक झूठ की फाइलों में दबे पड़े थे। नुकसान उठाना पड़ा।